तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सलीम और आप है मेरे साथ में यूट्यूब चैनल गार्डनिंग सलीम पे। तो आज हम सीखने वाले इस प्लान के बारे में, तो कैसे किया जाता है इस प्लान की सही देखभाल और जानिए इससे जुड़े हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब बटन का प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आगे भी मैं आपके लिए प्लांट के बारे में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो ला सकूँ। तो ज़्यादातर लोग इस प्लांट को बनी एयर या दूसरे नाम से जाना जाता है, पर इसका साइंटिफिक नेम अपुंटिया रूफिडा है और ये एक प्रिकली पियर कैक्टस का स्पीसीज है। तो अगर नेचुरली बात करें तो ये रॉकी एरिया या गर्म इलाके में ज़्यादा उगता है और बाकी कैक्टस के मुकाबले इसकी स्पाइन तो नहीं होती, पर इसकी बॉडी पे छोटा छोटा कॉटनी हेयर होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कांटे होते हैं, इसीलिए इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हैंडल करना होता है। तो ओपुंटिया रूफिडा माइक्रोडेसी या ओपुंटिया रूफिडा माइक्रोडेसी अल्बर्टा से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं। बस फर्क इतना है कि ओपुंटिया रूफिडा का ये जो कॉटनी हेयर ऊपर होता है छोटे छोटे कांठे वाले, वो ब्राउनी रेड कलर में होता है और ओपुंटिया रूफिडा माइक्रोडेसी का जो होता है वो येल्लो कलर में होता है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ओपुंटिया रूफिडा माइक्रोडेसी है, इसका जो कॉटनी हेयर होता है ये देखिए ये येल्लो कलर में होता है और ओपुंटिया माइक्रोडेसी अल्बर्टा का व्हाइट कलर में होता है। बस फर्क इतना है, और इसकी जो लीफ होते हैं, इसकी जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं और इसका जो आउटर कॉटनी हेयर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैरायटीज में होता है। तो इस कैक्टस की सोयल की बात करें तो इसको वेल ड्रेन्ड सोयल ज़्यादा पसंद है बाकी सकुलेंट की तरह, और इसको पानी आप तभी दीजिए जब इसका सोयल ड्राई हो। और ओपुंटिया रूफिडा कैक्टस की बात करें तो इसकी जो पत्तियाँ होती है वो फ्लैट में होती है और इसका हाइट जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 2 to 3 feet तक जाता है, 2 से लेकर 3 feet तक इसका हाइट जाता है। और की जो फैलाई होती है, स्प्रेड होती है, इसकी जो फैलाई होती है उसको 4 से लेकर 6 feet तक इसकी फैलाई जाती है अगर ये मैच्योर प्लांट हो तो। और समर में इसको फुल सनलाइट ज़्यादा पसंद है और विंटर में इसको बहुत ही ज़्यादा कम पानी और रेगुलर सनलाइट पसंद है। आप इस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। ये ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसका ग्रोथ रेट जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो आप इसको विंटर में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। और सबसे मेन बात यह है कि अगर ये सभी कंडीशन इस प्लांट के मिले, इस कैक्टस के मिले, तो ये ब्लूम भी हो सकता है, ये फ्लावर, इसका फ्लावर खिल भी सकता है विंटर में। तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान आप उसको विंटर में रखिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरह प्रोपगेशन की तरफ। तो आज हम सीखने वाले इसका प्रोपगेशन हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले प्रोपगेशन शुरू करने के लिए आपको एक मिक्सचर रेडी करना होगा, एक सैंड और कोकोपीट का मिक्सचर। ये देखिए, हमने सैंड और कोकोपीट का मिक्सचर रेडी कर लिया है, आप इसको अच्छे से देखिए। ये रहा हमारा सैंड और कोकोपीट का हमारा मिक्सचर। तो आपको एक पेपर लेना है और एक ब्लेड लेना है, इसको आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको इस तरह से इसी पकड़िए और ये देखिए इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि इसका जो हेयरी सॉफ्ट है वो आपकी स्किन को ना चाहिए। कुछ इस तरह से देखिए हमने देखिए हम इसको भी तोड़ लिया है। इस तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो इस प्लांट को तोड़ने के बाद आप एक स्टिक लीजिए, ये रहा हमारा एक स्टिक, इससे आप इस मिक्सचर पे आसानी से डिग कर सकते हैं। तो इसे एक छोटा सा होल बनाइए, इसको इस पे लगाइए कुछ इस तरह से। तो
इसलिए ध्यान रखें कि आपकी जो ये प्लांट है वो कटिंग है वो आपकी स्किन को ना छुए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है आपकी स्किन के लिए। कुछ इस तरह से आप इस पर लगा सकते हैं। और इसको आप जब तक इसका रूट नहीं निकलेगा तब तक इसको आप पानी मत दीजिए, क्योंकि ये अंदर से रॉट हो सकता है। तो इसीलिए इसको पानी, जब तक इसका रूट नहीं निकलता तब उसको पानी देना नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है वाटरिंग करते समय। इसको लगभग 1 से 1.5 महीने तक आप इसको पानी ना दें तब तो इसकी रूट ना निकले। तरह से आप इसको लगा सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपको, बस ध्यान से धीरे से आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। मुझे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है प्रोपगेट होने के लिए, इसको यहाँ पर इस तरह से लगा दिया है। तो ये देखिए हमारा कटिंग्स इस पर लग गए हैं। तो आप इसको जब तक इसका रूट नहीं निकलेगा तब तक इसको आपको पानी नहीं देना है, ये आप ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिलता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस फॉर